अगर आप अपनी किचन के लिए एक अच्छी चिमनी लेना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि आपके किचन के हिसाब से बेस्ट चिमनी कौन सी होगी, और इतने सारे 2023 के अंदर जो मॉडल्स लॉन्च हुए हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनमें से बेस्ट मॉडल कौन सा है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और सबसे ज्यादा सक्शन कैपेसिटी के साथ भी आता हो, then I am here to help you. मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस वीडियो के अंदर 2023 के सारे मॉडल्स को कंपेयर करने के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी किचन के हिसाब से बेस्ट चिमनी कौन सी होगी। दोस्तों, चिमनी खरीदना और उसे इंस्टॉल करके अपनी किचन में यूज करना इज द इजीएस्ट पार्ट, ट्रस्ट मी। आपको एक सही चिमनी ढूंढना ये एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। इसके लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिन्हें आपको मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा और उन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप एक सही चिमनी खरीदें भी और उसे इंस्टॉल करने के बाद जब यूज करें तो वो भी बिल्कुल सही तरीके से करें और आपकी किचन में कभी भी स्मोक या फिर धुएं की परेशानी ना हो। और आपके लिए एक और बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जो भी चिमनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, चाहे ये, चाहे मेरे घर पे लगी हुई, चाहे मेरे ऑफिस में लगी हुई कोई भी चिमनी, उन सभी को मैंने खुद खरीदा है। किसी ब्रांड ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया और किसी ब्रांड ने मुझे फ्री प्रोडक्ट नहीं भेजा आपको दिखा के उन्हें कन्विंस करने के लिए। नो, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज मैं इस चैनल पे स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट चलाता ही नहीं हूं। मैं सभी प्रोडक्ट्स को पहले खुद खरीदता हूं, उन्हें लगातार टेस्ट करके कंपेयर करता हूं और उसके बाद ऐसे वीडियोस आपको बना के ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपके हार्ड अर्न्ड मनी की बेस्ट वैल्यू आपको किस प्रोडक्ट में मिल रही है और बदले में मुझे क्या मिलता है। मैं सिर्फ आपकी सपोर्ट पे जीता हूं। दोस्तों, जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक से खरीदते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं, उससे इस चैनल की आपके प्राइस को एक रुपया भी चेंज करे बिना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प होती है, जिससे हम थोड़े 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 पैसे जोड़ जोड़ के बहुत बड़ी टीम हायर करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और आप तक ऐसे कंपैरिजन वीडियोस लेके आते हैं बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए हुए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। मैं आशा करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किचन चिमनी लिस्ट को डाउनलोड करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे। उसमें सारे लिंक्स मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। अब मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूं। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ये होती है कि अगर आपके घर के अंदर अप टू 3 बर्नर का कुकटॉप या हॉब है तो आपको किस साइज की चिमनी लेनी है। आपको लेनी है 60 सेंटीमीटर चिमनी। बड़ी चिमनी लेके ज्यादा धुआं वो उसके अंदर कैप्चर कर लेगी या सक कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको चिमनी अपने कुकटॉप के साइज के हिसाब से लेनी है, किचन के साइज के हिसाब से भी लेनी है ऑब्वियसली, और आपको ये ध्यान रखना है कि कुकटॉप से चिमनी का डिस्टेंस 24 से 30 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपको 8 से 12 फीट तक की डक्ट लगानी ही पड़ेगी। बिना डक्ट लगाए आप चिमनी यूज कर सकते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिमनी का सारा धुआं आपकी रसोई में ही फैलेगा अगर आपने डक्ट नहीं लगाई, और डक्ट लगाने पे सारा धुआं किचन के बाहर। एक और चीज आपको बताता हूं कि चिमनी के साथ अगर आप एक छोटा एग्जॉस्ट भी अपने किचन में लगाएंगे, दैट विल बी इवन मोर बेनिफिशियल। आपको दो टाइप की चिमनीज दिखेंगी मार्केट के अंदर, एक बैफल फिल्टर ऑटो क्लीन चिमनी और दूसरी ऑटो क्लीन चिमनी। यानी बैफल फिल्टर में कुछ एक्स्ट्रा मिला, हाँ बैफल फिल्टर एक्स्ट्रा मिलता है लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बताता हूँ ऑटो क्लीन चिमनी के बारे में। इस चिमनी के अंदर किसी भी टाइप का फिल्टर नहीं होता, जितना भी ऑयल या फिर स्मोक जाता है चिमनी के अंदर उसमें से स्मोक तो निकल जाता है किचन के बाहर, लेकिन ऑयल धीरे 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 रेजिड्यू उसका सारा चिमनी के आसपास चेंबर में इकट्ठा होने लगता है, और ऑटो क्लीन फीचर को जब आप ऑन करते हैं तो वो सारा ऑयल पिघल के उसी चिमनी के ऑयल कलेक्टर ट्रे में आके इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप निकाल के वॉश कर सकते हैं और उसे दोबारा से लगा सकते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इजी। और सबसे पहले मैं आपको ऑटो क्लीन चिमनीज के बारे में ही बताता हूं और उसके अंदर बताता हूं आपको टॉप 3 मॉडल्स जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2023 में।
बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आने वाली चिमनी है इनाल्सा की 90 सेंटीमीटर फिल्टरलेस चिमनी, जिसके अंदर आपको 1250 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलेगी एंड इट इज वेरी वेरी गुड। ये सक्शन कैपेसिटी काम करेगी 152 किलोवाट आवर पे और इस चिमनी के अंदर आपको कर्व्ड ग्लास विद ब्लैक पाउडर कोटेड फिनिश देखने को मिलेगी जो कि बहुत सुंदर लगती है। ये एक ऑटो क्लीन चिमनी है और इसके अंदर आपको डेफिनेटली एक ऑयल कलेक्टर बॉक्स भी मिलेगा, आप उसे ट्रे भी कह सकते हैं। और इस चिमनी के अंदर आपको टच कंट्रोल पैनल भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको मोशन सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली चिमनी चलाते समय आपको इसमें एलईडी लाइट्स भी देखने को मिलेंगी और आप चिमनी जब खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ये सारी इंक्लूडेड एक्सेसरीज भी देखने को मिलेंगी, यानी ये इंस्टॉलेशन किट है जो आपको इस चिमनी के साथ देखने को मिलेगी। जब आप इनाल्सा की चिमनी को यूज करेंगे तो कंपनी डिक्लेयर करती है कि 65 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब 65 डेसिबल्स आर स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, बट ये चिमनी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस पे आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 7 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन द मोटर बाय इनाल्सा एंड दैट इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इतनी अच्छी वारंटी देने का मतलब ब्रांड कॉन्फिडेंट है अपनी क्वालिटी पे और आपको अश्योर करना चाहता है। नाउ दैट इज वेरी वेरी गुड। आप अगर इस चिमनी को इस समय खरीदना चाहते हैं तो ये कॉस्ट करेगी आपको 11,500 रुपीस प्लस आपको देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 600 रुपीस। ये 600 रुपए आपको देने पड़ेंगे जब इंस्टॉलेशन टीम आपके घर पहुंच के इस चिमनी को इंस्टॉल कर देगी। द गुड पार्ट हाउएवर इज कि आपको इंस्टॉलेशन किट बॉक्स में ही मिलेगी। नाउ दैट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि जनरली कोई भी ब्रांड आज की डेट में इंस्टॉलेशन किट साथ में देता नहीं है, इट इज नेवर इंक्लूडेड इन द प्राइस और उसकी कीमत लगभग 1500 के आसपास होती है। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन इस चिमनी के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये चिमनी बहुत अच्छी है, इसके अंदर फीचर्स बहुत शानदार हैं, आपको सक्शन भी एडिक्वेट मिलती है इन एडिक्वेट, नॉट द बेस्ट बट यस एडिक्वेट। मेरे लिए जो बेस्ट पार्ट है इस चिमनी का वो है द प्राइस। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बजट कैटेगरी के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चिमनीज जो आपको 11,500 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगी एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी फेयर प्राइस फॉर दिस चिमनी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज इट इज वेरी वेरी गुड। दो चीजें हैं जो मेरा कंसर्न है, पहली कि इसके जो नॉइज लेवल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, 65 डेसिबल्स। जनरली ये इस लेवल की चिमनीज के नॉइज लेवल्स होने चाहिए 58-57 डेसिबल्स के आसपास, जो इसमें थोड़े से ज्यादा हैं। और दूसरी, ये सिर्फ 90 सेंटीमीटर साइज में अवेलेबल है, 60 सेंटीमीटर में नहीं। सो अगर आपके घर के अंदर 3 बर्नर या उससे छोटा कुकटॉप या हॉब है, डू नॉट बाय दिस चिमनी। आपको आगे ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें आपको 60 और 90 सेंटीमीटर दोनों ऑप्शंस मिलेंगी, आपको उसमें से चूज करना है खुद कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास 90 सेंटीमीटर हॉब या कुकटॉप है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इनाल्सा। अगर आपका बजट 11,500 रुपीज के आसपास है, इसके लिंक्स दिए हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और VM1 किचन चिमनी लिस्ट के अंदर भी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड चेक इट आउट। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया की 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आने वाली चिमनी है फेबर की ये 60 या फिर 90 सेंटीमीटर की चिमनी, जिसके अंदर आपको 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलेगी एंड दिस चिमनी इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि इस सक्शन कैपेसिटी के साथ आपको 180 किलोवाट आवर की पावर मिलेगी। और चाहे आप 60 सेंटीमीटर मॉडल लें या 90 सेंटीमीटर, आपको ब्लैक ग्लास फिनिश देखने को मिलेगी इस चिमनी पे जो कि बहुत सुंदर लगती है। ऑब्वियसली ये फेबर की ऑटो क्लीन चिमनी है और इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील ऑयल कलेक्टर देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको टच कंट्रोल्स तो साथ में देखने को मिलते ही हैं, मोशन सेंसर्स भी साथ में देखने को मिलेंगे विद 2 एलईडी लाइट्स। फेबर आपको चिमनी के साथ कुछ भी और नहीं देता, मेरा कहने का मतलब यह है कि इंस्टॉलेशन किट आपको बॉक्स में नहीं मिलेगी, उसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। पर एक बहुत अच्छी बात है आपको बताता हूं कि जो इससे पहले मैंने आपको इनाल्सा की चिमनी बताई थी उसका वेट जानते हैं क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10.5 to 11 kgs, 10.7 kgs टू बी प्रिसाइज। लेकिन फेबर की इस चिमनी का वेट क्या है जानते हैं, 15 kgs। दैट इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस चिमनी। फेबर आपको इस पे देता है 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 8 इयर्स की वारंटी ऑन द मोटर। नाउ दिस इज समथिंग
जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्रांड चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि उन्हें अपनी बिल्ड क्वालिटी और अपनी जो ओवरऑल क्वालिटी है उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है। आप इस चिमनी को खरीदना चाहते हैं इस समय तो आपको देने पड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रुपीज, और ये प्राइस भी मेरे हिसाब से बहुत फेयर है बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, द एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी जो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। फेबर की ये चिमनी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाती अगर इसके अंदर इंस्टॉलेशन किट होती, यही इसका एक कॉन है। अदरवाइज मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, दी नॉइज लेवल्स जो हम अच्छे नॉइज लेवल्स किसी भी अच्छी चिमनी से चाहते हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 56 to 58 डेसिबल्स, वही हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ दैट इज वाई मेरे हिसाब से सक्शन कैपेसिटी के अंदर भी बहुत अच्छी है। आपको अगर 60 सेंटीमीटर इसका मॉडल लेना है, ये रहा उसका भी प्राइस भी। सो 60 और 90 सेंटीमीटर दोनों साइजेस अवेलेबल हैं, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्टरलेस चिमनीज दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन 2023। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, और VM1 किचन चिमनी लिस्ट के अंदर भी जाइए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया की 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर वन पे आने वाली दो चिमनीज हैं, एक नहीं, और उसका कारण आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले पहली चिमनी बताता हूं जो नंबर वन की पोजीशन पे टॉप करती है, और वो है हिंदवेयर का नादिया मॉडल, जो कि 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी के साथ आती है, और ये 90 और 60 सेंटीमीटर दोनों साइजेस में अवेलेबल है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। एक और बेस्ट पार्ट भी है कि इसके अंदर आपको 220 किलोवाट आवर की पावर देखने को मिलेगी इन द 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर सेक्शन, और ये हिंदवेयर की चिमनी ब्लैक पॉलिश्ड फिनिश के साथ आती है, जो कि सुंदर लगती है, एंड ऑब्वियसली ये एक ऑटो क्लीन चिमनी है। इसमें आपको मेटल का ऑयल कलेक्टर देखने को मिलेगा, टच कंट्रोल्स मिलेंगे, मोशन सेंसर्स मिलेंगे, और दो व्हाइट LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, which is good, और हिंदवेयर आपको इसके साथ पूरी इंस्टॉलेशन किट्स बॉक्स में ही देता है। 58 डेसिबल्स के हिंदवेयर ने क्लेम करे हैं नॉइज लेवल्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आपको 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी मिलने के बाद भी ये 58 डेसिबल्स पे ही मैक्सिमम कैप्ड हैं। नाउ ये अपने आप में एक अच्छी चीज है कि आपको कम सक्शन वाली चिमनी भी ज्यादा डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स दे रही है, और ज्यादा सक्शन की कैपेसिटी की हिंदवेयर की चिमनी आपको वही कम नॉइज लेवल्स दे रही है। नाउ थिंक अबाउट इट, आपको हिंदवेयर की ये चिमनी अगर खरीदनी होगी तो ये कॉस्ट करेगी अबाउट 15,500 रुपीज के आसपास। आपको इंस्टॉलेशन के लिए जैसे सभी के अंदर देने हैं पैसे, आपको 600 रुपए इसके अंदर भी देने पड़ेंगे बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस हर ब्रांड लेता है, लेकिन आपको इसमें इंस्टॉलेशन किट खरीदने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आपको हिंदवेयर ने बॉक्स के अंदर ही दी है। अगर आप इसका 60 सेंटीमीटर साइज लेना चाहते हैं, इट विल कॉस्ट यू अबाउट 12,000 रुपीज के आसपास। इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, आपको इसे जरूर चेक करना चाहिए। पर पहले आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, सुनिए, ये चिमनी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बेस्ट हो जाती अगर इसमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव की जगह 2 या 3 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव होती वारंटी, क्योंकि जनरली यही ट्रेंड है, इसी टाइप की वारंटीज हमें चिमनीज में देखने को मिलती हैं। हाउएवर ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है क्योंकि आपको 10 ईयर्स की मोटर पर वारंटी हिंदवेयर दे रहा है। आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखनी है दैट इज सुपर्ब, क्योंकि 15.7 केजीज वे करती है ये वाली चिमनी, एंड आई थिंक बिल्ड क्वालिटी इज ऑल व्हाट मैटर्स, क्योंकि मोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस चिमनी की भी, एंड सक्शन कैपेसिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड घर में बनाते हैं, दिस इज द वन टू गो फॉर। 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर सक्शन कैपेसिटी इज वॉट यू नीड, एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड इज द लिंक्स जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और VM1 किचन चिमनी लिस्ट के अंदर भी दे दिए हैं। अब क्या वेट कर रहे हैं आप, जाइए। अब समझ में आया कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक क्यों नहीं गए, क्योंकि बेस्ट किचन चिमनी इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर वन पे जो सेकेंड चिमनी टॉप करती है वो है एलिका की 90 सेंटीमीटर चिमनी। यस, इसके अंदर भी आपको 60 सेंटीमीटर मॉडल देखने को मिलेगा, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर भी आपको 1350 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी देखने को मिलेगी, एंड दिस इज अ वंडरफुल चिमनी इन माई ओपिनियन। एलिका की इस चिमनी के अंदर आपको 219 किलोवाट आवर की मोटर देखने को मिलेगी, और ये ब्लैक ग्लास फिनिश के साथ आने वाली ऑटो क्लीन चिमनी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, और इसमें आपको स्टेनलेस स्टील ऑयल कलेक्टर देखने को मिलेगा,
with touch control and motion sensors and obviously dual white LED light, जिससे आपको अपने कुकटॉप या हॉब पे देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस चिमनी के अंदर कुछ कॉन्स भी हैं और कुछ बहुत ज्यादा अच्छे प्रोज, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल चॉइस एलिका की ये वाली चिमनी बनती है इफ नॉट हिंदवेयर ना दिया, बिकॉज ये चिमनी 18.5 kgs वे करती है। इसके अंदर जो आपको सक्शन कैपेसिटी मिलती है वो वही है जो हिंदवेयर के अंदर है, और इसके अंदर जो पावर मोटर यूज करती है 219 kWh वो सेम है जो हिंदवेयर के मॉडल यूज करती है। सो एवरीथिंग यू नो रिमेंस द सेम। इसके नॉइज लेवल्स भी बिल्कुल सेम है, अबाउट 58 decibels, और ये बहुत अच्छी बात है। बट 18.5 kg जो ये वे करती है, दैट इज ऑल गोइंग इन द बिल्ड क्वालिटी। आप जब एक बार चीज लेते हैं तो उसको सॉलिड लेना हम इंडियंस की आदत है, तो एक ये सॉलिड चिमनी है जो आपकी किचन में एक बार लगी और उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। दैट इज व्हाट आई थिंक यू नो इन अ चिमनी, क्योंकि ये जो बिल्ड क्वालिटी है ना ये मैटर करती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस एलिका की चिमनी के अंदर आपको शानदार बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, चाहे वो ग्लास की हो, चाहे वो ऊपर के मटेरियल की हो, चाहे वो चेंबर की हो। दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट चिमनीज दैट यू कैन बाय। ये 1350 cubic meters पर आवर की जो सक्शन कैपेसिटी है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है अगर आप ऑयली खाना ज़्यादा बनाते हैं, या यू नो हम इंडियंस हैं, ऑयली खाना बनता ही है, मतलब थोड़ा सा पेट भी बढ़ जाता है उससे, बट यू नो अगर ऐसा खाना आपके घर में बनता है देन दिस सक्शन कैपेसिटी इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू फॉर योर फैमिली। बट जो ओनली चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि इंस्टॉलेशन किट नहीं है यार, मतलब एलिका दे देते यार, आप पैसे भी तो 15,000 के आसपास ले रहे हो। सो दिस चिमनी विल कॉस्ट यू अबाउट 15,000 rupees फॉर द 90 cm साइज और अप्रॉक्सीमेटली 13,500 to 14,000 rupees फॉर द 60 cm साइज। अब ये प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है 60 और 90 cm में, सिर्फ ग्लास का ही फर्क है। सो essentially the build quality remains the same, the motor remains the same, so that is why I think this is the best chimney that you can go for। अब इसके लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और VM1 किचन चिमनी 2023 लिस्ट में भी। अब आप अभी तक वेट कर रहे हैं, नहीं यार और कोई चिमनी नहीं है, जल्दी जाइए अब आप। आप सोच रहे होंगे कि आज के जमाने में बेफल फिल्टर चिमनी लेता कौन है। बात सही है लेकिन बात गलत है, क्योंकि मैंने आपको बेफल फिल्टर चिमनी रेकमेंड नहीं करी, मैं आपको आगे रेकमेंड करूंगा बेफल फिल्टर ऑटो क्लीन चिमनी। और ये चिमनी इसलिए बेस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर एक कर्व्ड टाइप की जाली लगी होती है, पहले धुआं उस चिमनी की जाली में से निकलेगा और वहीं पे ऑयल रेजिड्यू अटक जाएगा, उसके बाद वो चेंबर के अंदर से निकलेगा और किचन के बाहर। चेंबर के अंदर भी अगर थोड़ा सा रेजिड्यू या ऑयल कलेक्ट हो गया तो आप ऑटो क्लीन फीचर को ऑन करके सारे ऑयल को कलेक्ट कर सकते हैं इन दी ऑयल कलेक्टर ट्रे, और जिसे आप आराम से साफ कर सकते हैं। लेकिन बेफल फिल्टर्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि वो अंदर चेंबर को ज़्यादा गंदा होने से बचाएंगे और आप बेफल फिल्टर्स को कभी भी निकाल के आराम से वॉश करके खुद लगा सकते हैं, किसी सर्विसमैन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको सर्विस के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एंड आई थिंक टेक्नोलॉजिकली दिस इज़ अ बेटर चिमनी ऑफ द टू, चॉइस विल बी कम्प्लीटली योर्स। अब आपको बेफल फिल्टर के बारे में बताया ही है तो आपको एक दो बेफल फिल्टर मॉडल्स बहुत अच्छे जो मुझे लगे वो रेकमेंड करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बेफल फिल्टर चिमनी इंडियन कुकिंग नीड्स के हिसाब से बेस्ट रहती है। अगर आपके घर में ऑयली खाना बनता है तो एक बेफल फिल्टर को निकाल के 15 दिन या 30 दिन में एक बार साफ करके फिर से लगा देना बहुत ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि हर 3 महीने या 6 महीने में आपको उसे सर्विस करवाना पड़े चिमनी को। सो I think it is a better thing of the two, और मेरे हिसाब से best kitchen chimney in India in 2023 in the Beffel filter category is Elica chimney in 90 cm। आपको इसके अंदर 60 cm size भी देखने को मिलेगा, and this chimney I think is a very very good one। इस type की chimney को कहा जाता है Beffel auto clean chimney, और ये 1425 cubic meters per hour की suction capacity के साथ आती है,
विद द पावर ऑफ 220 किलोवाट आवर ऑफ द मोटर। इसमें आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिलेगी चिमनी के ऊपर, जो कि बहुत सुंदर और प्रीमियम लगती है। और ये चिमनी दो स्टेनलेस स्टील के बैफल फिल्टर्स के साथ आती है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये एक बैफल फिल्टर चिमनी होते हुए भी ऑटो क्लीन चिमनी है, तो इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का ऑयल कलेक्टर भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको टच कंट्रोल्स भी देखने को मिलेंगे सामने की तरफ, और मोशन सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। और ये चिमनी दो LED लाइट्स के साथ आती है। इस चिमनी को खरीदने पे आपको इंस्टॉलेशन किट साथ में नहीं देखने को मिलेगी बॉक्स में। नाउ दैट इज स्लाइटली अ सैड पार्ट, बट दैट इज ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन किट अगर आपको खरीदनी होगी तो इस चिमनी की कॉस्ट करेगी 800 rupees ओनली, विच इज अ गुड थिंग। आपको 58 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए ध्यान से, बैफल फिल्टर चिमनी 1425 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन, और उसके बावजूद 58 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स। इसलिए ये टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड चिमनीज हैं मेरे हिसाब से। नाउ कॉस्ट भी इनकी कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15,500 rupees के आसपास कॉस्ट करेंगी। ऑब्वियसली आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे ब्रांड को जब भी वो आते हैं आपके घर में इंस्टॉल करने, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड चिमनी। आपको इसके कौन सबसे पहले बताता हूँ, अगेन इंस्टॉलेशन किट इसके साथ नहीं है, और ये उतनी ज़्यादा पावर के साथ नहीं आती। आप कहेंगे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 1425 क्यूबिक मीटर पर आवर के बाद भी मैं बोल रहा हूँ? हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दो चिमनीज चूज़ करी हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, और दूसरी चिमनी है ये फेबर की, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बट हाँ, अगर आप फेबर के साथ एलिका को कंपेयर करते हैं तो एलिका में उतनी ज़्यादा पावर नहीं है जितनी फेवर में है, एंड अदरवाइज आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड चिमनी। इसकी बिल्ड क्वालिटी इज स्टर्डी, एंड अगर आप इसे लगाएंगे और आप ऑयली खाना बनाते हैं, वेरी वेरी गुड। आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत पावर से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज आई एम अ रिव्यूअर, मुझे एक रिव्यूअर की तरह दो प्रोडक्ट्स को बहुत ऑनेस्टली कंपेयर करना है। बट अगर मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर आपकी तरह खड़े होकर सोचूं, तो एलिका या फेबर दोनों की सर्विस इज गुड, दोनों ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अच्छे और रिप्यूटेड हैं, दोनों के पावर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको जो सस्ते में मिले आप उसे खरीदिए। मैंने दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, एंड ऑल आई कैन से इज कि एलिका इज अ वंडरफुल चिमनी। अब आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और किचन चिमनी लिस्ट को भी चेक करिए, क्योंकि उसके अंदर भी आपको इस चिमनी के लिस्ट लिंक्स दिए हैं। पर आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट चिमनी इन इंडिया इन 2023 की मेरी लिस्ट के अंदर, जो बैफल फिल्टर ऑटो क्लीन चिमनी में नंबर वन पे टॉप करने वाली चिमनी है, वो है फेबर की ये वाली चिमनी। एंड आई रियली थिंक दिस इज द बेस्ट चिमनी, क्योंकि इसके अंदर 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी आपको मिलेगी। उसके बावजूद भी दिस चिमनी डजंट मेक दैट मच नॉइस, 58 डेसिबल्स के आपको वही नॉइज लेवल्स देखने को मिलेंगे। नाउ दिस इज एन इंजीनियरिंग मार्वल अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपको अच्छी चिमनी अच्छी मोटर के साथ मिलती है जो कि ज़्यादा सक्शन करती है और उसके बाद भी आवाज़ नहीं करती है। This is all what we need. और उसके साथ साथ ये पावर भी कम लेती है, क्योंकि 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की सक्शन कैपेसिटी होते हुए भी ये 180 किलोवाट आवर की पावर लेगी, और ये एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ब्लैक ग्लास फिनिश जो आपको इस चिमनी में देखने को मिलेगी वो बहुत जबरदस्त है, और ये ऑटो क्लीन चिमनी है, एक बार आपको दोबारा बताना मेरा फर्ज है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का ऑयल कलेक्टर ट्रे भी देखने को मिलेगी, टच कंट्रोल और मोशन सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे, और दो व्हाइट कलर की LED लाइट्स भी देखने को मिलेंगी, विच रियली लुक्स ब्राइट एंड गुड। फेबर की ये चिमनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन टू ऑल द चिमनीज जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कॉस्ट आपको बताई थी 15,000 या 15,500 rupees, और ये चिमनी कॉस्ट करती है 16,000 rupees। ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस 600 rupees देने पड़ेंगे, और आपको इंस्टॉलेशन किट भी खरीदनी पड़ेगी। नाउ दैट इज अ कॉन ऑफ दिस चिमनी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई कॉन दिखा ही नहीं, क्योंकि ये चिमनी जितनी अच्छी सक्शन कैपेसिटी मैंने आज तक देखी है उसके साथ आती है, 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, 15.5 या 16 kgs के आसपास वे करती है, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट चिमनीज दैट एनीबडी कैन बाय। बिकॉज अगर हम इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सोचें, हम
दाल में छौंका लगाते हैं, अगर कुछ फ्राई करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें ऑयली खाना बनता है, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए ये चिमनी मेरे हिसाब से बेस्ट है। आई एम अगेन सेइंग कि बैफल फिल्टर चिमनी मैं अपने घर में खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बढ़िया से बढ़िया ब्रांड्स भी यूज़ करके देखे हैं। एज अ रिव्यूअर दिस इज माई जॉब, दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब। मी एंड माई वाइफ यूज ऑल द ब्रांड्स ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएं कि कौन से ब्रांड में ज़्यादा हमें वैल्यू मिलती है। मैं इस समय घर में टेस्टिंग के लिए कैफ की चिमनी यूज़ कर रहा हूँ एंड आई फाउंड दिस चिमनी टू बी स्लाइटली बेटर देन कैफ। सो आई थिंक आपको एक बैफल फिल्टर चिमनी लेनी है या नहीं वो पूरी तरह आपका डिसीजन होगा, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चिमनीज फॉर इंडियन कुकिंग कंडीशंस। इसका कौन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर इंस्टॉलेशन किट नहीं है, बट दैट शुड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस क्योंकि 1500 से 2000 रुपए आपकी कॉस्ट आनी ही है। आपको इंस्टॉलेशन किट मिल जाती तो शायद कहीं और कॉम्प्रोमाइज हो जाता बिकॉज एनी ब्रांड एंड एवरी ब्रांड विल टेक द सेम काइंड ऑफ मनी। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, किसकी सक्शन ज़्यादा अच्छी है एंड कौन सी चिमनी आपको ज़्यादा फीचर्स दे रही है। सभी चिमनीज के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिलते हैं, मैंने आपको सारी डिटेल में इसके अंदर बता दिया। आई थिंक दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट चिमनीज दैट यू कैन बाय। इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और VM1 चिमनी लिस्ट के अंदर भी, आपको उसे जरूर डाउनलोड करना है अपने फोन में ताकि आपको ये पता चल सके कि जो मैं प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के बाद रेकमेंड करता हूँ वो कौन से हैं, क्योंकि उसमें एक भी प्रोडक्ट वो नहीं होगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता ना। दैट इज यू नो दैट लिस्ट विल बी अवेलेबल इन योर फोन As soon as you click it, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको किचन चिमनी लगाने के साथ साथ अपनी किचन में एक छोटा एग्जॉस्ट जरूर लगाना चाहिए, उसका कारण अब बताता हूँ। उसका कारण है वेंटिलेशन। आप जब चिमनी लगाते हैं तो धुआं तो जरूर निकाल देते हैं किचन से बाहर, लेकिन वेंटिलेशन के लिए आपको एक एग्जॉस्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है। वहां से आपको मिलती है क्रॉस वेंटिलेशन। और आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो ये आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और कमेंट सेक्शन को आप अपने सवालों के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप अपने सवाल लिखिए किचन चिमनी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड और मैं जल्दी से जल्दी उन्हें जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मैंने बताया कि किचन चिमनी लिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी उसमें वो सारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मैं खुद टेस्ट या ट्राई करने के बाद उसमें इंक्लूड करता हूँ। वो सभी मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं, प्लीज़ उन्हें यूज़ करके इस चैनल की मदद करने की कोशिश करिएगा। बिना आपके प्राइस चेंज करे हम कुछ कमा पाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद करके आपको ऐसे कंपैरिजंस दिखा पाते हैं। मैं आपको फिर से मिलूंगा अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।